अस्सलामुअलैकुम बेटा, जैसा कि आपको पता है कि कल हम पढ़ रहे थे 20 मिनट विद मिसेस कैंटर, ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम वी हैड एन इशू ड्यू टू विच आई कुड नॉट राइट हियर ऑन व्हाइट बोर्ड. सो डोंट वरी, इंशाल्लाह वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग टुडे. बेटा जो चीजें रह गई हैं वो सारी चीजें हम कवर करेंगे आज और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक, राइट. तो 20 मिनट विद मिसेस कैंटर में हमने पढ़ा कि ही जो है वो सेम हॉस जा रहा है मिसेस कैंटर को मारने. वेटिंग रूम में मिसेस कैंटर से मिल जाती हैं. सही है बेटा, वो सूटकेस के लेबल पर उनका नाम देख लेता है, सही है, और पहचान जाता है. लेकिन मिसेस कैंटर को नहीं पता कि उसने देख लिया है. बातों बातों में मिसेस कैंटर एक मौके पर जाती है सूटकेस के सामने और हाथ पीछे करके टच द लेबल अंडर द फ्लैग. ही टच द लेबल अंडर द फ्लैग. जो पट्टा होता है उस पर वो जो पट्टा होता है उसके नीचे वो एड्रेस जो होता है वो छुपा देती है. अब बेटा मुख्तलिफ जो है मीटिंग है, ये मुख्तलिफ टेंशन के इसमें मूवमेंट है. फिर होता यूं है कि वो आखिर में मिसेस कैंटर की तरफ रिवॉल्वर निकाल लेता है और मिसेस कैंटर कहती हैं कि मैंने 18 महीने 18 मंथ जो है मुझे पनिशमेंट दी है. तो लेट इट बी फाइनल फेज फॉर मी, कि ये मेरे लिए काफी है. वो मंजर ऑनफुल सीन जो है वो मेरी नजरों के सामने रहता है और यही मेरी असल सजा है कि मुझे इस तरह जीने के लिए छोड़ दिया जाए. वो नहीं मानता, कहता है यही तरीका है तुम्हारा भीख मांगने का. मिसेस कैंटर गिर जाती है और उसका उसके पैर पकड़ लेती है. वो धक्का देता है, मिसेस कैंटर गिर जाती है और रोने लगती है. फिर स्टूडेंट वो शक में आ जाता है और कहता है ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था. वो अपना उसके छोड़े बगैर कमरे से बाहर चला जाता है. ठीक है ना स्टूडेंट, वो अपना उसके छोड़े बगैर कमरे से बाहर चले जाता है. जैसे ही वो बाहर जाता है मिसेस कैंटर उछल कर खड़ी होती है और मजाक उड़ाने के लिए अपनी उंगली नाक पर इस तरह उसका मजाक बनाती है कि शी मेड फन ऑफ हिम. इतने में दरवाजा जो है वो री ओपन करता है, दोबारा खोलता है. लुक एट मिसेस कैंटर, वो समझ जाता है कि शी वाज अ क्लेवर वुमन. और वो अचानक रिवॉल्वर जेब से निकालता है, फायर्ड एंड शूट्स हर डाउन. मिसेस कैंटर गिर जाती हैं. वो अपना सूटकेस जो है वो उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है. तो बेटा ये स्टोरी है, टोटल स्टोरी जो है आज कंप्लीट हो गई है. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिवली. तो बच्चों अब जो स्टोरी है 1953 का वाक्य भी है. तो स्टोरी है बहुत सिंपल है, मेलोड्रामा है, तीन करेक्टर है. इसके हवाले से अगर दौरान लेक्चर सही है, दौरान लेक्चर अभी आपको किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो बेटा प्लीज डोंट हेजिटेट, जस्ट क्लिक हम and ask the question. Just click and raise and ask the question. सही है, हम उस पर क्लिक करेंगे जब आप लिख देंगे. अच्छा बेटा कोई सवाल है तो हैंड रेज करें एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. सही है. अब बेटा मैं चाहूंगा कि आप सब अपने अपने रजिस्टर कॉपी बॉल पेन एंड पेन व्हाटएवर यू हैव टेक इट आउट एंड ग्रैब
एंड स्टार्ट डाइटिंग। बच्चों देखें, सबसे पहले वही हमारा जो तरीका होता था रेगुलर क्लासेस में कि बुक के बारे में सबने ले ली होगी, नहीं ली तो इंशाल्लाह ले लीजिएगा। अच्छा, इस अपनी रजिस्टर का कॉपी निकालें और शुरू हो जाए। आज इसके हम जो है आज कंप्लीट जो है वर्ड फिलिंग कंप्लीट करते हैं, एमसीक्यूज भी देख लेंगे, इंशाल्लाह जो भी कंफ्यूजन होंगी वो सॉल्व हो जाएगी पेपर के हवाले। I hope you have started writing. बेटा लिखें जल्दी से और साथ हम को क्लिक करें लिखने के बाद ताकि मैं आगे लिखूं। ये लिख लें आप लोग। लिख लें तो थंब को क्लिक करें शाबाश। देखें मैनिपुलेशन है पहला वर्ड। मैनिपुलेशन के माने क्या है? टू हैंडल स्किलफुली, सही है, अल्फाज का जोर। ऑडिबल, ऑडिबल माने क्या होता है? कैन बी लिसेंड, काबिले समाज, काबिले समाज। टू चीज वर्ड यूज हुआ है, ये है ना। टू चीज क्या होता है बेटा? टू चीज का मतलब होता है हाथ और पैर, हैंड एंड फीट। ये वो क्या कह रही है, सही है, ये वोकैबुलरी हाथ और पैर। फिर वह वर्ड मीकली, मीकली का मतलब क्या होता है? हम्बली, आजीजी से। देन
अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को भी कोई सवाल पूछना है तो वो हैंड रेज को क्लिक करे। सवाल बता देना, सही बता लिख लिया आप लोगों ने। And do remember, you can again watch this video on the link shared to you by our coaching. सही, जो लिंक सेंड किया उससे भी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और जो चीजें रह गई हैं मेरे को बैक रिवर्स को लिख सकते हैं। बेटा लिखें, वी हैव रिटन सम मोर वर्ड। पहला पांचवा वर्ड जो है इसमें वह है ग्रम्बली। ग्रम्बली, ग्रम्बल कहते हैं आपने बल्किन है ड्रिल में पढ़ा था, मरमल है ना, मरमल पढ़ा था आपने बल्किन है ड्रिल में, जिसके माने क्या है बड़बड़ाना। सही है बच्चों, के माने क्या है बड़बड़ाना। यहाँ पर हेडल अपने ग्रिम, ग्रिम माने क्या है एंगर, एंगल माने गुस्सा। फिर है फ्लैम्बोयंट, फ्लैम्बोयंट ये कौन सा वर्ड है, फ्लैम्बोयंट शो ऑफ नुमाइशी, यानी शो ऑफ का डेवलपमेंट जो जाहिर करे। मेल वोलेंट, मेल वोलेंट माने क्या है ईविल माइंड, ईविल माइंड माने बदखवा, बुरा चाहने वाला। स्टार्टल, स्टार्टल के माने क्या है बच्चों, सरप्राइज हैरान। ब्लॉट आउट, ब्लॉट आउट के माने क्या होते हैं, रेस मिटाना,
कैजुअल माने ओकेजनली या इत्तेफाकन. नोट इट डाउन एंड सर्च सम. अच्छा मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो एब्जर्व नहीं कर पाएंगे. वही लिख पाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सही है. अच्छा हाँ मुझे बेटा ये बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज आवाज जो है वो प्रॉपर समझ में आ रही है. मेरी आवाज प्रॉपर समझ में आ रही है आप लोगों को. शाबाश के लेकिन जल्दी से. लिख लो तो थंब को क्लिक कर देना. I think लिख लिया होगा आप लोगों ने. हाँ जिससे लिख लिया है वो हैंड रेज करे. नहीं लिखता. बेटा किस किस ने नहीं लिखा है वो हैंड रेज करे. किस किस ने नहीं लिखा है. सबने लिख लिया है. होपफुली कंटिन्यू करते हैं. अच्छा एक वर्ड जो एग्जाम में पूछा भी गया है वो वर्ड कौन सा है. वर्ड मैन स्लॉटर ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर प्रोग्रेस में भी पढ़ा था कि मिसेज कैंडप कहती है मिसेज मैडम कहती हैं दे कॉल्ड इट मैन स्लॉटर. तो मैन स्लॉटर का मतलब क्या होता है. मैन स्लॉटर का मतलब होता है इंसानियत का खून करना इंसान का जुदा करना. इसको हम वही लिखेंगे जो हमने वहां पढ़ा था फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था हम वही लिखेंगे.
इसको हम रुको में क्या देंगे, उर्दू में कहेंगे इंसानियत का फोन। माने क्या है, उदय पढ़ना, वेंजीज, वेंजीज माने क्या है, रेवेंज इंतकाम, डेफिएंट, डेफिएंट माने क्या है, ऑफेंसिव, व्यथा, मैनस्लॉटर, गुस्सी ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का खून, रिलेंटलेस, रिलेंटलेस माने क्या है बच्चों, डिसएग्री, नारागमन और कॉकटेल। कॉकटेल का मतलब क्या है, कैंपेन इतना। तो कॉपी एक थोड़े से और रह गया, बस ये लिख लें ताकि हम फिर इसके एमसीक्यू स्टार्ट करें। कॉपी इट एंड टेस्ट हम। बस 5-6 बेटा ये लिख लेते हैं, फिर हम एक मेन्यू ले लेंगे। चैप्टर का, चैप्टर की सभी आप लोगों को बता दिया मैंने, वर्ड स्ट्रेनिंग हो गए हैं, एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। अब वो करेंगे डेफिनेटली अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक ही हो सकेंगे क्वेश्चन आंसर इसके, क्योंकि अभी नोट्स जो है वो अपडेट हो रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम। लिख लो तो फॉर्म क्लिक करो, शाबाश सब बच्चे लिखे हैं। हाँ बेटा एक और बात, जिन स्टूडेंट्स के नेट सही नहीं चल रहे हैं, यानी के डिस्टॉर्टेड हो रही है, डिस्टॉर्शन हो रही है, आपको वॉइस सही नहीं आ रही है या वीडियो सही नहीं आ रही है, वो नेट सही करें अपना, और बेटर है कि पैकेज ले लें, डेटा कनेक्शन ले लें, तो इट विल बी बेटर रादर देन टू यूज वाईफाई। Have you all done it, bachcho? बेटा आप लोग सम क्लिक नहीं कर रहे, शाबाश, लिखने के बाद सम क्लिक करें। सम क्लिक करें सारे बच्चे।
I think all of you have done it. तो ये आगे चलते हैं आपको, ये जो पैकआउट वर्ड है ना ये आ चुका है, और बेंजीन जो वर्ड है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बेंजीन के माने क्या होते हैं, इंतकाम, रेवेंज कहते हैं बेंजीन। ये मैन स्लॉटर आप पिक्चर में पढ़ चुके हैं, बुटरी ऑफ मैनकाइंड, सही है। अच्छा देखिए बच्चों, वर्ड स्पिनिंग जो है हम एंड की तरफ जा रहे हैं, और द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू राइट इज फॉर्मफुली। देखो बच्चों, ये इसे इम्पोर्टेंट वर्सनिंग से इंग्लिश से इंग्लिश जो पेपर में आते हैं, वी हैव कम्प्लीटेड वर्सनिंग इंग्लिश से इंग्लिश पेपर में लड़ने होते हैं, सही है। उर्दू मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, सही है। उर्दू मैंने आपको सिर्फ टू मेक यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। स्पॉन्सफुली, स्पॉन्सफुली माने क्या होता है, हेटफुली, नफरत के साथ, नफरत का बर्ताव क्या कहलाता है, स्पॉन्सफुली। रिक्वायर, रिक्वायर पानी जो होता है मूव बैकवर्ड या पीछे हटना। फिर क्या है, एग्रीटेटेड, एग्रीटेटेड परेशानी को कहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड, हलचल में। ऑन, ऑन पानी जो होता है टू कम इन टू माइंड रिपीटेडली, ताकुब करना, बार बार जहन में आना कोई बात, हॉन्टिंग, समथिंग इज हॉन्टिंग मी, इट मीन्स इट इज कमिंग इन टू माई माइंड रिपीटेडली। फिर क्या है, विविडली, विविडली माने क्या होता है बच्चों, क्लियरली, वाज़ह। कॉपी इट एंड क्लिक हम, शाबाश। सब बच्चे शाबाश लिखें, कॉपी करें एंड क्लिक हम।
अच्छा बेटा ऐसा है कि 8 मिनट रह गया, तो आप लोग जल्द से जल्द कॉपी कर लो, ठीक है। अब ये यही हो सकता है कि जो इसके एमसीक्यूज हैं और क्वेश्चन आंसर है वो हम अगली क्लास में कर, ठीक है। तो 20 मिनट में डेफिनेटली टेक 2 वीक्स, 20 मिनट और 5 मिनट रह गए हैं बच्चों। किसी को कोई सवाल, कोई क्वेरीज, देन फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, एनी आइडिया दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड। पहले शाबाश की लिखी है और हम क्लिक करें। बेटा आज तो भी मसला नहीं हो, और अगर किसी का नेट सही नहीं चल रहा तो डेफिनेटली वो वॉइस में या वीडियो में जो है वो थोड़ा सा स्ट्रैम्बल हो रहा होगा अगर नेट सही नहीं चल रहा, तो डेटा पैकेज ले लें वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, जो वीडियोज है हमारी डेफिनेटली फेसबुक पे अपलोड हो जाएगी। यू कैन वॉच अगेन द लेक्चर्स ऑफ ऑल द टीचर्स, राइट, इंशाल्लाह। हाँ, जिन बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है वो भी पिछले लेक्चर जो है, प्रीवियस लेक्चर जो उनके निकल गए हैं, वो फेसबुक के जो हमारा ग्रुप है वहां जाकर देख लें। सही है, कोई सवाल बेटा? एनी क्वेश्चन देन आस्क मी, अदरवाइज वी विल लीव रूम मीटिंग। 5 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए। लिख लिया होगा सबने, लिख तो लिया होगा। शाबाश, जल्दी जल्दी लिखें। अब स्टोरी जो है हमारे 20 मिनट की बैन में रखी का के मिस्टर कैंटर वॉज नॉट अ गुड लेडी, राइट। वो थोड़ी सी जैसे हम कहते हैं ना बच्चों, शराबी कपाबी के दिन भी खाते होंगे, यानी कि बहुत कंफर्ट लविंग, ईज लविंग, कंफर्ट लविंग खातून थी। तो वो जो है वो ये नहीं मानता कि जस्टिस एग्जीक्यूट हुआ है, वो ये समझता है कि 18 महीने मिस्टर कैंटर को गलत कह दी है। मार कर ही दम देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। तो दिस चैप्टर, इसमें जो सवाल आता है बोर्ड में, एक तो ये आता है बॉड नोटिस दैट द मैन है और मर्डरिंग मिस्टर लुकेंटर, कि मिस्टर लुकेंटर को मारने का सबब क्या बना। तो मुझे अब मैं इसका मतलब क्या है, टू टेक रेवेंज टू एग्जीक्यूट जस्टिस। मिस्टर लुकेंडर को मारने का सबब दोनों है, दो सबब है, सही बच्चों। मिस्टर लुकेंडर को मारने के 2 कॉजेज है। नंबर 1 कॉज क्या है, टू टेक वेंजेंस, टू टेक रेवेंज एंड टू एग्जीक्यूट जस्टिस, और जस्टिस एग्जीक्यूट करना, सही है बच्चों। तो मिस्टर लुकेंडर को इसीलिए अगर मारा गया, एग्जीक्यूशन करना था, जस्टिस करना था और इंतकाम लेना था। दिस वॉज द पर्पस ऑफ द मैन इन द वेटिंग रूम। नोट इंशाल्लाह, वी आर अपडेटिंग नोट, वर्किंग ऑन इट इंशाल्लाह। व्हेन वी हैव नोट, ऑल ऑफ यू वुड बी एडवाइज टू कम टू कोचिंग एंड परचेज नोट। यू आर योर पेरेंट्स, एनीवन कैन कम एंड कलेक्ट द नोट, ओके। अच्छा, ये हॉन्टिंग का वर्ड है, टू कम इन टू माइंड रिपीटेडली, बार बार ध्यान में आना। मिस्टर लुकेंडर जो है वो चालाकियां चलती हैं, उससे कहती हैं
कि हाँ वो एक्सीडेंट का मंजर मुझे हॉन्ट कर रहा है, मेरे जहन में बार बार आ रहा है. इसका मतलब शी वॉज डूइंग क्लेवर ट्रिक, शी वॉज डूइंग क्लेवर ट्रिक टू सेव हर सेल्फ एंड इन द एंड शी गॉट पनिशमेंट. एक सवाल ये भी आता है, मिस्टर उकेंडर गॉट द पनिशमेंट ही डिजर्व. तो मिस्टर उकेंडर को जो सजा मिली वो सही थी. ओके सही बेटा. नींद रखते सबको, अल्लाह हाफिज़. अगले वीक इंशाल्लाह ताला इंग्लिश की क्लास में